नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सेमी पटियाला सलवार बताएंगे कटिंग करना। और इसमें ये देखिए 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़े में मैं फुल घेर की सलवार बताएंगे आपको, पटियाला सलवार। इसमें से पहले हम कटिंग करना इसका पटियाला सूट, हमने कुर्ता की कटिंग डाल दी है, आप चाहें तो पहले देख लें, अब मैं आपको ये सलवार की कटिंग बताएंगे। देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है, कटिंग करना शुरू करते हैं। पहले ये देख लें, ये सीधा है और ये, और एक बात आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ये साइज के अनुसार ही निकलती है। अब फुल घेर में पटियाला सलवार आप बनाएंगे तो उसमें से कि 4 मीटर या 3 मीटर कपड़ा हो उसमें खूब सारा घेर निकल जाता है। ये हम बनाएंगे 34 साइज की, इसकी कमर है और 35 इसकी लेंथ है। इस हिसाब से हम आपको कटिंग करना बताएंगे। चलो कटिंग करना शुरू करते हैं। ये इसकी लेंथ है, तो ये लेंथ तो काफ़ी होती है, 2.25 मीटर है इसमें से। और ये देखिए इसकी विड्थ है, ये आरजे है इसका और ये लेंथ है। अब पहले आपको देखिए, पहले हम इसको इस तरीके से देखेंगे। पहले इसके ये 12 इंच इसकी हम सलवार की मोहरी 6 या 6.5 इसकी चौड़ाई रखेंगे मोहरी की। तो ये पल्ला है, इसको हम पहले पल्ले को निकालते हैं। तो इसकी पहले हम ये देख लेते हैं, ये 12 इंच का ये फुल कपड़ा, यहाँ से ये देखिए इस तरीके से फुल 12 इंच का हमें कपड़ा ये सीधा निकाल लेना है। और ये डबल में है, ये दोनों पैरों की इस तरह से मोहरी के लिए वो ये दोनों पल्ले हो जाएंगे दोनों पैरों के। तो इसकी विड्थ लंबाई भी हमें देखनी है किस तरह से निकालना है। पहले हम इसको कट करके यहाँ से अलग कर लेते हैं, फिर हम आपको नाप लेना बताते हैं। इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है, ये कपड़ा कट हो गया। ये जॉइंट है, इसे भी खोल देंगे तो ये दोनों पैर के पल्ले हो जाएंगे। अब हम आपको इसका नाप लेना बताते हैं। देखिए इसकी फुल लेंथ 35 है, 35 पर ये तैयार होगी। और इसकी देखिए ये 5 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, 5 इंच। तो ये हम 5 इंच ऊपर निकाल देते हैं, फिर इसके बाद हम 35 पर देखते हैं। इस तरीके से 35 इंच पर निशान लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम 2 इंच मोहरी के लिए, जो मोहरी बनती है गुलाई मोहरी की, उसके लिए निकालते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए मोहरी हमारी 6.5 की तैयार रखेंगे हम, तो 1/2 इंच ये कलियों में से जुड़ाएगी, ये 6 इंच तैयार है यहाँ। एक्स्ट्रा है ये, मैंने मार्जिन के लिए नहीं लिया था, इसलिए मैंने 1/2 इंच इसमें मार्जिन बढ़ा लिया, जो कि ऊपर सिलाई के लिए चाहिएगा जोड़ने के लिए। और इसको हम कट करके निकाल देंगे, इसे हटा देते हैं, ये बेल्ट के काम आएगा। अब ये इसे हटा के रखते हैं अलग इस तरीके से। अब इस कपड़े को हम जो भी बचा है पहले इसे देखते हैं। देखिए ये हमने कपड़ा सारा बिछा लिया है, बराबर 2 पर्थ हैं इसके। देखिए ये इधर खुला वाला है और इधर बंद है, तो ये खोल देंगे। पहले आप, मैं इसको कट करके निकाल दूंगी, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके निकाल देंगे और इसके साइज से ही हम बिछाएंगे। देखिए ये जो पल्ले हैं और वो एक्स्ट्रा कपड़ा है, पहले उसे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि फिर कली बड़ी हो जाती है तो उसे बाद में कट करना पड़ता है। इसलिए हम वो वहाँ से पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसे कट करके यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे, फिर आपको कलियाँ निकालना बताएंगे। देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया है। और जो कपड़ा बचा है, मैंने अभी आपको ऊपर की बेल्ट नहीं बताई, ये बेल्ट के लिए कपड़ा शेप निकल आया। मैं 6 इंच की इसमें बेल्ट लगाऊंगी और ये 8 इंच
8.5 है, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच पलटने में जाएगा, तो ये 6 इंच इस तरह से रह जाएगी। अभी हम इसे बाद में कट करके बताते, पहले आपको कली बताएं किस तरह से। देखिए अब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हम कलियाँ जोड़ेंगे। अब इसे हटा लेते हैं पहले, और हम आपको बहुत नज़दीकी से बताएंगे कि जो आप एक ही बार में निकाल लें। देखिए इस तरीके से यहाँ 2 इंच पर निशान लगा लें इस तरीके से, और 1 इंच नीचे के लिए। अब ये निशान हो गया, अब एक निशान उस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर लगाना है हमें इस तरीके से, ये निशान लगा करके, और 1 इंच नीचे के लिए, इंची टेप रख करके इस तरीके से, इंची टेप को इस तरीके से रखें और इसके बराबर बराबर निशान लगा दें। जैसा इंची टेप रखा है उसी तरीके से आप निशान लगा दें। अब इसे इस तरीके से जो आप ड्राफ्ट देख रहे हैं इसी प्रकार से इस पर कटिंग कर लें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से पहली ही बार में कटिंग कर लेंगे। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, तो एक ही बार में आप काटना और सिलना सीख जाएंगे। कटिंग कर देते हैं, कटिंग हो गई है, ये कलियां कट गई। अब इसको, इस कली को पकड़ करके इस तरीके से इसके ऊपर, देखिए इस तरीके से हमने दोनों कलियां रख ली हैं। अब हम आपको ये रख के पहले दिखाएंगे, इस तरीके से आधा इंच ये सिलाई में दब जाएगा दोनों तरफ से, देखिए इस तरीके से, और इसमें कितना सारा घेर है। और अब हम आपको बताएं ये मोहरी, देखिए 6.5 और आधा इंच ये निकल जाएगी तब के, तो ये हो गया यहाँ तक। और ये इसकी सिलाई आएगी और ये इसका मार्जिन रहेगा बीच का। अब हम आपको बताएं कि ये मौरी बन करके ये तैयार हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम कट करके निकाल देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, जो इसकी लटकन देखते हैं किस तरीके से आसन निकालते हैं, आसन की कटिंग बताएंगे पहले आपको यहाँ पर, फिर हम बताएंगे ये कैसे जोड़ी जाती है। जैसे हमको आसन निकालना है, ये यहाँ पर आसन निकालना है। अब आप आसन या तो किसी सलवार के नाप से आप नाप ले सकती हैं, ये आसन भी बोलते हैं, और कोई कोई इसे म्यानी वाली जगह जो बोली जाती है उसे बोलते हैं। तो देखिए ये आसन आप किस तरीके से निकालेंगे, या किसी पुरानी सलवार से आप नाप ले लें उस हिसाब से यहाँ आसन निकालना है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप कमर इसकी 34 है तो 34 का चौथा भाग ले लें, तो इसका अब आप चौथा भाग 34 का निकाल लें, कमर के अनुसार इसमें चौथा भाग निकाल लेते बहुत सिंपल तरीके से। देखिए ये 34 है, 17 हो गया, और 17 का आधा कर लें इस तरीके से, 8.5 हो गया, तो आप इसे यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएं इस तरीके से, जहाँ पर ये 8.5 आए वहाँ पर ये इस तरीके से निशान लगा दें। अब ये देखिए 6 इंच का इसका वो बेल्ट होगा और ये 8.5 इंच का आसन होगा। तो अब ये यहाँ से इसकी गुलाई देख लें, जो कि इसमें ये दोनों सेट कर दें इस तरीके से,
ये गुलाई निकालती हूँ, जो भी इसमें एक्स्ट्रा है उसे सेट कर लें। और अब हम आपको इसके बेल्ट की कटिंग बताएंगे। ये जॉइंट है, इसे खोल देंगे तो हमारे पास चार कलियाँ हो जाएंगी। पहले इस जॉइंट को खोल देते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हमने आपको बेल्ट इसमें से बताएंगे। ये बेल्ट के ही अनुसार कपड़ा बच गया है। देखिए इसकी चौड़ाई 8 इंच 8.5 है और ये हमें 6 इंच पर तैयार करना, तो 2 इंच आधा इंच मार्जिन के लिए और 2 इंच इसकी जो लेफा बनता है उसके लिए। देखिए अब ये 34 थी, इसमें 6 इंच की लूजिंग डालें तो ये 40 हो जाएगी। 44 का आधा रखेंगे 20, तो इसको और 1 इंच इसमें मार्जिन सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमें और इसे कम कर देते हैं, 21 इंच से इसकी हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। देखिए 21 इंच ये तैयार है, 21 इंच से इसे काट करके हम निकाल लेते हैं। 1 इंच इसमें सिलाई के लिए और 20 इंच की ये बेल्ट बनकर तैयार है। देखिए इस तरीके से ये आधा इंच है ये मार्जिन के लिए, आधा इधर से आधा इधर से। अब ये देखिए ऊपर आधा इंच ये नीचे नीचे जॉइंट के लिए, जो कलियों में जो अंडी पे सिलाई में जाएगा ये आधा इंच ये, और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए ये कपड़ा कितना रह जाता है, 8 इंच। अब 8 इंच में ये 8 इंच है, दो दो इंच के इस पर पहले निशान लगा लेते हैं बेल्ट ऊपर जो लेफा मोड़ते हैं उसके लिए। देखिए इस तरीके से और इसे सीधा कर देंगे इस तरीके से। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये बेल्ट की कटिंग हो गई कि जो कपड़ा ये एक्स्ट्रा है इसे काट के हम इस तरह से हमें जोड़ना है, फिर हम दिखाते हैं। कटिंग हमारी पूरी हो गई, ये कलियां हैं किस तरह से रखी जाएगी। ये देखिए ये कली हो गई, ये इसके पल्ला हो गए 4, ये हमने कट करके निकाल दिए। ये 4 पल्ले हो गए और ये कलियाँ हो गई, ये यहाँ जॉइंट होंगे 2 कलियों में। देखिए 2 और 2 4 हो गए और ये इसकी बेल्ट हो गई। तो देखिए अब हम स्टिचिंग करते वक्त आपको इसमें प्लेटें डालना और इसकी बेल्ट जोड़ना, किस तरह से प्लेटें पड़ेंगी ये सारी इसकी प्लेटें भर दी जाएंगी, और आपको स्टिचिंग करते वक्त हम सारी स्टेप बाय स्टेप बताएं किस तरह से हमें बराबर ही प्लेटें डालना चाहिए। ये हमारी सलवार की कटिंग पूरी हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।